सबसे पहले गहना की खूबसूरत बहू और खूबसूरत सास को स्वागत है टीवी से बॉलीवुड में। शुक्रिया जिस तरह हम देख रहे हैं इस तरह की स्टोरी पिक्चरों में बहुत दिन पहले देखा था और पहली बार मैं टीवी पर देख रहा हूँ। पकड़ुआ शादी जिसे आपके बेटे को खूबसूरत बोले तो गहना से किया गया है, तो आप किस तरह एक्सेप्ट किया आपने बहू को? क्या चल रहा है आपके इसके प्रतीक आपके दिल में? देखिए पहले तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि ये मेरी बहू है। क्या बात है। मेरा कैरेक्टर बहुत हम्बल है, तो घर के जितने भी सदस्य हैं जो मेरे घर में काम करते हैं या मदद करते हैं घर के काम में, मैं सबके प्रति काफ़ी हम्बल हूँ। तो गहना भी जब आई है मेरे घर में और जहाँ मुझे पता चला है कि ये अकेली है, इसका साथ देने वाला कोई नहीं है और अकेली लड़की इतना स्ट्रगल करके बहुत सी चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रही है, तो मैं इसे उस रीज़न से फुल सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे अभी तक नहीं पता कि ये मेरी बहू है। तो किस तरह आप इसको जो घर में रखे हैं, किस हक से रखे घर में आप? मैंने आपसे कहा कि ये अकेली है, स्ट्रगल कर रही है, इसे पैसों की ज़रूरत है, इसकी माँ बीमार है, इसका जो घर है वहाँ पर कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, इसे ही सपोर्ट करना है, अपनी माँ को, अपनी दादी को। इसका एक खेत है जो आई थिंक शक्ति सिंह ने पता नहीं कब्जा किया है या क्या कर लिया है, मुझे कब्जा किया हुआ है, हाँ पता नहीं है बराबर से, तो इसे अपना खेत भी छुड़ाना है। तो एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि ये क्या इस पर क्या गुजर रही होगी जब ये अकेली है, इसके बाबा का हाथ भी इसके सर पर नहीं है और तब भी ये लड़की इतने हौसले के साथ अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो मैं उसका साथ दे रही हूँ। अच्छा आखिरी माँ बोल दो, आप इतने अच्छे घर में आई हो, आपसे दिल जीतने की कोशिश नहीं की आपने? मैं कमला माई का दिल तो पहले ही जीत चुकी हूँ और इनको मैं बहुत पसंद हूँ, तो ये तो पहले ही मैंने इनका दिल तो पहले ही जीत लिया, बाकियों का दिल जीतना बाकी जो मैं धीरे धीरे जीतूँ। तो हम कहना आपके फैंस के लिए आखिर में क्या बोलना चाहते हो? फैंस के लिए तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी हमारा टाइम स्लॉट चेंज हो गया, हम 8:30 बजे आ रहे हैं, वो हमारा शो ज़रूर देख रहे हैं ऑन दंगल टीवी, मंडे टू संडे दंगल चैनल। यस दंगल चैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।